हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स पार्ट टू चैप्टर नंबर थ्री इंटीग्रेशन। इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 3.7। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक्स वन से टू तक जो है वो हमने फाइंड करना है। ये जो एक्सरसाइज है 3.6 से सिमिलर एक्सरसाइज है, इसका भी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये इसमें ये हमारे पास जो है वो 1 से 2, ये हमारे पास इसकी लिमिट है। यहाँ पे इसमें 3.7 में एक चीज़ का एडिशन है, आपने इसका ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फ्रॉम एक्स वन टू टू। इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, हमारे पास ये हमारे पास जो है वो कर्व है, तो इसमें हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट x इक्वल टू जीरो और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। x की जगह पे जीरो पुट करें तो y की आंसर क्या आ जाएगा, वन। पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0.01। x की जो वैल्यू होती है वो हम पहले लिखते हैं और y की बाद में। ही हमारे पास एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट के लिए हम इसको पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू जीरो, y को इस इक्वेशन में जीरो पुट करें, y इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वन के बराबर, और x की क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। नो एक्स इंटरसेप्ट, तो ये इसका इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसके लिए हम पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। अगर हम इसमें पुट करें इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा वाई इज इक्वल टू टू, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। एक बार x की वैल्यू प्लस में है, प्लस वन और टू, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास माइनस वन और टू। ये तीन पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इसका हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से ग्राफ पे शो करना है पॉइंट्स को। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x का पॉइंट्स ले लेते हैं 1, 2, 3, एक्स को जो है एक्स की वैल्यू को वन पुट करें तो वाई का आंसर हमारे पास क्या आता है, टू, यहाँ पे आएगा पॉइंट। अगर हम एक्स को जो है वो टू पुट करें तो यहाँ पे आएगा पॉइंट फोर आएगा इसका, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा। जो हमारी कर्व है वो इस तरीके से बनेगी। रिक्वायर्ड एरिया, ये वाला जो है वो एरिया हमने इसका फाइंड करना है एक्स वन से टू। रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल वन से टू वाई इंटू डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इंटेग्रल लिमिट आ जाएगी इसकी 1 से 2, वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करना है, प्लस का साइन है तो सेपरेटली जो है वो इस पर इंटेग्रल अप्लाई करें। यहाँ से मैं क्वेश्चन रेज कर रही हूँ, लिमिट आ जाएगी 1 से 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 1 से 2 वन इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करें, पावर रूल इस पर अप्लाई करें, एक्स का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक प्लस करके उसी पे डिवाइड कर देना, लिमिट्स आ जाएगी 1 से 2 प्लस वन की इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट्स आ जाएगी 1 से 2। लिमिट्स अप्लाई करें, 2 इसकी अपर लिमिट है और 1 जो है वो इसकी लोअर लिमिट्स है। लिमिट सप्लाई करें 1/3 पे नहीं होगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस इस पे लिमिट सप्लाई करें
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वन ओवर थ्री, टू का क्यूब क्या आ जाएगा, एट माइनस वन प्लस टू माइनस वन वन। वन ओवर थ्री सेवन प्लस वन, एलसीएम ले इसका, थ्री एलसीएम आ जाएगा, सेवन प्लस थ्री टेन ओवर थ्री, ये इसका फाइनल आंसर है, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा इसका। रिक्वायर्ड एरिया ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इसमें जो है वो ग्राफ इतने जरूरी नहीं है, आप चाहे तो ग्राफ ना भी बनाए तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। हमारे पास कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस x स्क्वायर, x यहां से हमारे पास वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 1 टू 2 तक है इसकी वैल्यू। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। x माइनस 1 से x 2 तक ये वाला एरिया होगा रिक्वायर्ड एरिया। माइनस वन से टू वाई इंटू डी एक्स, माइनस वन से टू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फाइव के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई होगी और एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग से, माइनस वन से टू 5 इंटू डी एक्स माइनस माइनस वन से टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फाइव जो है वो कॉन्स्टेंट है तो वन यहाँ पे वन की इंटीग्रेशन x लिमिट्स आ जाएगी इस पर, माइनस वन से टू माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर थ्री लिमिट्स आ जाएगी माइनस वन से टू, इस पर लिमिट्स अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू माइनस इंटू माइनस वन x पे, माइनस वन ओवर थ्री जो है वो कॉन्स्टेंट है इस पे लिमिट सप्लाई करें, अपर लिमिट टू का क्यूब माइनस इंटू माइनस वन इसका क्यूब, टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री, माइनस वन ओवर थ्री, टू का क्यूब एट माइनस, तो माइनस वन का अगर क्यूब ले तो वो माइनस वन ही आएगा, माइनस माइनस प्लस वन। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइव भी आएगा, फाइव जो है वो कॉन्स्टेंट है, फाइव थ्री आर फिफ्टीन माइनस नाइन एट प्लस वन, तो यहाँ पे नाइन आ जाएगा, थ्री थ्री आर नाइन, थ्री बच गया, फिफ्टीन माइनस थ्री ट्वेल्व, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया ट्वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। y is equal to 3 into under root x, यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 1 से 4 है, x is equal to 1 to 4, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x 1 से x 4 तक इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। रिक्वायर्ड एरिया
इंटेग्रल 1 से 4 3 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, 3 जो है वो कॉन्स्टेंट है इंटेग्रल से पहले लिख लेंगे, और x के अंडर रूट के पावर को हम 1/2 इंटू डी एक्स, एक्स का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, पावर रूल अप्लाई करें, पावर में एक प्लस करके उसी पे डिवाइड कर दें, 3/2 लिमिट्स आ जाएगी 1 से 4, 3 2 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आके जो है वो मल्टीप्लाई होगा ओवर 3, एक्स की पावर 3/2 लिमिट्स 1 से 4, 3 3 से कैंसिल, 2 इंटू लिमिट्स अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फोर की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 2 × 4 को हम जो है वो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 का स्क्वायर तो इसकी पावर जो है वो 3/2, 2 2 से कैंसिल, माइनस 1 का अगर लें पावर 3/2 तो वो 1 ही आएगी इसकी पावर, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, 2 7 14, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया, ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम इसी तरीके से होना है, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं वो किस तरीके से हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास माइनस 3 से 1 है, ये हमने पॉइंट्स खुद मालूम करने, एक्स वेरीज कर रहा है माइनस 3 से 2 1, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे जो है वो एक्स इक्वल टू माइनस 3 है और यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, नीचे वाली साइड पे जो है वो इसका ग्राफ बनेगा। रिक्वायर्ड एरिया माइनस 3 से 1 इसके लिमिट्स आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, अलग अलग सेपरेटली लिमिट्स अप्लाई करेंगे, माइनस 3 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 जो है वो कॉन्स्टेंट है उसको हम इंटीग्रल से पहले लिख लेंगे, माइनस 3 से 1 एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3, 3 कॉन्स्टेंट वो इंटीग्रल से पहले लिख लेंगे हम, 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, एक्स का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, लिमिट्स आ जाएगी माइनस 3 से 1 प्लस 2, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2, इस पर भी जो है वो पावर रूल अप्लाई करेंगे, एक्स का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है 1 तो पावर में एक प्लस करके उसी पर डिवाइड कर देना है, लिमिट्स आ जाएगी माइनस 3 से 1, माइनस 3 1 की इंटीग्रेशन एक्स लिमिट्स माइनस 3 से 1, 1/3 लिमिट्स अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का क्यूब माइनस माइनस 3 इसका क्यूब आ जाएगा प्लस 2, तो 1/2 ये 2 2 से कैंसिल आउट, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3 इसका स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 3 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस 3 आ जाएगा। वन ओवर थ्री, 1 का क्यूब 1, माइनस
थ्री का अगर हम क्यूब लें तो वो -27 आएगा, प्लस वन का स्केयर वन, माइनस का थ्री का स्केयर ले तो वो 9 आ जाएगा, -9 -3 इंटू माइनस माइनस प्लस 4, 1/3 वन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 28, 27 प्लस 1 28, प्लस 1 माइनस 8 तो ये -8 -3 इंटू 5, 1/3 इंटू 28 -8 -15, एलसीएम ले इसको कैलकुलेट करें तो इसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास 32/3, ये इसका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इसमें x की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगी, ये x है और ये y, अगर आप x को 0 पुट करो, x की जगह पे 0 पुट करो तो y हमारे पास 1, अगर हम x को 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, -1 पुट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, अगर हम इसमें -1 पुट करें तो -1 का क्यूब जो है वो -1 आ जाएगा, प्लस 1 0, y की वैल्यू जो है वो 0, अगर 2 पुट करें तो इसकी वैल्यू जो है वो 9, -2 पुट करें तो -7, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यहां से यहां तक इसका एरिया -1 तक, x -1 से x इक्वल टू 2 तक आएगा इसका एरिया जो है, -1 से 2 तक, रिक्वायर्ड एरिया -1 से 2 इसकी लिमिट्स आ जाएगी, x क्यूब प्लस 1 इंटू dx, सेपरेटली इस पे जो है वो लिमिट्स अप्लाई करें, -1 से 2 x का क्यूब इंटू dx प्लस 1 -1 से 2 1 इंटू dx, x क्यूब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, x का साथ में डेरिवेटिव 1 मौजूद है, पावर में एक प्लस करके उसी पे डिवाइड कर देना है, x की पावर 4/4 लिमिट्स आ जाएगी -1 से 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट आ जाएगी -1 से 2, 1/4 लिमिट अप्लाई करें इस पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 2 की पावर 4 तो 16 माइनस माइनस 1 की अगर पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव ही आएगी, 1 ही आएगी, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस ये 3 1 हो जाएगा, 1/4 15 प्लस 3, एलसीएम लें इसको सॉल्व करें, 4 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा, इस एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये 27/4 ये इसका रिक्वायर्ड एरिया है, ये इसका फाइनल आंसर है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।